ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ इस उपरंत लड़ी के तहत जिम्मे तुम दस है कि विसाखी के संबंध में गुरु साहब ने खालसा पंथ की साजना की उस संबंध दस्तार के महत्ता दसन वास्ते अच्छे दस्तार कैंप भी लगाया गया जिद बच्चों के फ्री दस्तारा सजाई जा रही जेड़े बच्चे किस कारण करके जिन्होंने कदम केस कतल कराया तो अज प्रण करते हैं कि असं साबर सूरत रहेंगे कदे भी सिखी तो मुनकर नहीं होवेंगे उन्होंने वास्ते जिहड़ियां फ्री दस्तारा गिफ्ट भी दित्तियां जा रही इस उपरंत जिहड़ा हैगा समुची गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार सुखविंदर सिंह जी बसी मैनेजर गुरद्वारा बौली साहब जिन्होंने पूरा सहयोग किया हैगा इस तरीके अज प्रोग्राम की समाप्ति तो बाद शाम को 3 बजे जिहड़े कबड्डी टूरनामेंट होने 45 किलो वर्ग के 70 किलो के ओपन पिंड पद्धर क्योंकि जिथे गुरबाणी ने सानू मानसिक तौर पर संतुष्टि देनी है ताकत देनी है उत्थे शरीरिक नूं रिष्ट पुष्ट रखने वास्ते आप कबड्डी के टूरनामेंट भी अज ऑर्गनाइज किए हैं जिद उच्च कोटी के खिडारियों ने भाग लेना बच्चों भी मोटिवेशन मिलनी है कि असी सेहत में किवें अपने तंदुरुस्त रखना है इस दे वर्गे मीडिया जिहड़े भरा है जिवें तुसीं हरप्रीत सिंह जी नडाला टीवी तो रघु भाजी होनी सरबत सिंह जी कंग सारिया के सहयोग के नाल जिहड़ा ये प्रोग्राम अज ऑर्गनाइज किया गया है ये भी जी अच्छ दस्तार कैंप हैगा समुची संगत के सहयोग मिस्टर सिंह टर्बन ट्रेनिंग सेंटर नडाला समूह जे नौजवान भी जो दस्तार बनते हैं जे सिखाते हैं जिमें वीर साढ़े नाल खड़े हैगे सिंह साहब वीर जतेंद्र सिंह जी है अपने गुरविंदर सिंह है वीर होर कई वीर भरा जे दस्तारा सजाते उन्होंने सहयोग के अच्छे इतने कैंप ऑर्गनाइज किया गया है तो सारे बच्चों के सवेरे 10 बजे तो लैके 2 बजे तक इतनी फ्री दस्तारा बनिया जानिया जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह सब तो पहला तो अज विसाखी दिहाड़े की सारे इलाका निवासियों बहुत बहुत बधाई हो बाकी असी बाबा मक्खन शाह लबाणा तो वाहेगुरू सिमरन सोसायटी वालों रल के तो बाकी सारी संगत सहयोग में अज विसाखी का दिहाड़ा मना रहे हैं असी सारी संगत बहुत बहुत धन्यवाद करते जी आ के साडा सहयोग देंदे पे तो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह अज जो खालसा साजना दिवस विसाखी का दिहाड़ा है मैं समूह संगत को इस दिहाड़े की लख लख बधाई दिंदा हाँ ते जो ये पिछले साल तो उपराला किया गया है कि निराला गुरुद्वारे बौली साहब विखे विसाखी का ते खालसा साजना दिवस दिहाड़ा मनाया जाता है मैं प्रबंधकों को बहुत बहुत बधाई दिंदा हाँ कि बहुत अच्छा उपराला है इस दे नाल संगत जुड़ मिल के पवित्र दिहाड़े को मनाउंदी है तो हर साल संगतों का उत्साह वधदा जाएगा एक चंगा उपराला है सो सब नू बहुत बहुत मुबारकबाद ते धन्नवाद सारी टीम का जो ये उपराला करते हैं वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी लगातार संगत नू दस रहे हैं कि वाहेगुरू सेवा सिविल सोसायटी और बाबा मक्खन शाह लवाणा वैलफेयर सोसायटी बड़ा वड्डा उपराला किया विसाखी दिहाड़े से जिथे इस वक्त दीवान चल रहे ने उत्थे शाम नू 3 बजे कबड्डी के मैच होने हैं शो मैच होने वख-वख कैटागरिया के इस तो अलावा जिहड़ा साढ़े दस्तार कोच ने जसपाल सिंह नड़ाला उन्होंने हर समागम से हर समय बड़े वड्डा उपराला रहिंदा बड़ा वड्डा योगदान रहिंदा जसपाल सिंह और उद्दम नाल आपां इस वेले देख रहे हैं जिस जगह खड़े हैं दस्तार सिखलाई बच्चों की करवाई गई है कुछ बच्चों ने दस्तारा सीखिया ने और कुछ बच्चों ने प्रण भी किया पक्के तौर पर दस्तार सजाई रखना हरप्रीत जी दस्तार सिख कौम की शान है वैसे तो दूसरे कौमों के राजे महाराजे या पीर पैगंबर भी दस्तारा सजाते आए हैं लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिख को एक विशेष तौर पर दस्तार बख्शी है जिहड़ी सिख की शान है दूरों दूरों लखां दे विच भी जिहड़ा कितें सिख होवे दुनिया के किसी कोने में सिख की पता लग जाता कोई दस्तार सजाई है उस तो पछाण हो जाती है सो गुरु साहब ने जदों कहा कि मैं इदां दा सिख साज देंगा कि जिहड़ा दुनिया में पछाण होवेगी तो सिख ने कड़ा पाया होवे दस्तार सजाई होवे ते सारे बहुत सत्कार दिंदे रहे कि गुरु का बख्शिया सिख है सो अज दे दिन ते मैं सारिया संगतां नूं जिन्होंने इस विसाखी के मेले में बड़ी साडी रीस सी बड़े लंबे समय तो कि गुरद्वारा बौली साहब जो साडे इलाके का इतिहासिक स्थान है सिखी का धुरा है पंथ का धुरा है संगतां का बड़ा वड्डा आउण जाण इत्थे रहिंदा है सो विसाखी का मेला लाउणा है सो सब तो पहला वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह उच्ची बोलिए मां वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह मेरे वालों धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के खालसा
जिस की वधाई सारी जनता को और भाजी सतपाल सिंह जी बहुत बड़ा उपराला कर रहे हैं कि फ्री इन्होंने दस्तारबंदी और दस्तारा फ्री देनिया ने और नाल गिफ्ट और मोमेंटो भी दे रहे हैं जिहड़े बंदे सिक्खी नाल जोड़ रहे हैं ये बहुत बड़ा उपराला जी। जी अज छोटे छोटे बच्चे सिक्खी स्वरूप दे विच आ रहे ने पग्गां बना रहे ने की कहना चाहोगे? बहुत मालक दी कृपा बच्चा ते परमात्मा चढ़दी कला बच्चा रखे अपने चरणा ना लाग बच्चा रखे साडे जिहड़े बच्चा ते मेहर बरात रखे साडे बच्चे भी सिक्खी सी छोटा बच्चा सिक्खी जे ते बाबा अगे निकल गया ते रस्ते कहना जबरदस्त केस कर दिते उहनू कहंदे वे बेटे अपने केसां च आ जाओ फिर भी बंदा पूरा बंदा शुरू करता बेटे ने परमात्मा ने हथ दे उतर गया ते बाबा अगे अपने चरणा लाग रखे। तुहानू नहीं लगता कि साडे जिहड़े नौजवान पीढ़ी सिक्खी तो दूर होंगी नजर आ रही है? बहुत नशे जा रही सिक्खी हटी बहुत ज्यादा बच्चे दूर सिक्खी चल चले ने बहुत नशे वाले बच्चे लगे ने कहने सिक्खी वाले बच्चे।